नहीं, आपके अपने YouTube चैनल मैथ एफ टी में आप तमाम लोगों का स्वागत है। कुछ व्यूअर्स का कमेंट है, डिवीजन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए डिवीजन में बहुत प्रॉब्लम होता है, यानी किसी भी नंबर को अगर 9 से डिवाइड करना हो, डबल लाइन से, सिंगल लाइन से, ट्रिपल लाइन से, 4 टाइम्स 9 से या 5 टाइम्स 9 से, जितना भी 9 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना हो, चाहे वो नंबर बड़ा हो या छोटा हो, न्यूमिनेटर बड़ा हो या छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो या छोटा हो, इसके डिवीज़न का कंसेप्ट हमारे पास 10 तरह का है। अगर 10 तरह का बता देंगे तो आप पगला जाइएगा, हाथ पर फूल जाएगा। इसलिए सबसे आसान कंसेप्ट बताते हैं, ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट है। कहा गया है कि कंसेप्ट इज पावर, ट्रिक इज ए टावर। ट्रिक जो है वो पावर नहीं है, कंसेप्ट पावर है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो उस चैप्टर का मैथमेटिक्स बना लेंगे, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ट्रिक पे मैथमेटिक्स नहीं बनता, और मैथमेटिक्स ट्रिक की चीज़ नहीं है, कंसेप्ट की चीज़ है। देखिए किसी भी नंबर को 9 से कैसे डिवाइड करते हैं, चाहे सिंगल लाइन हो, डबल लाइन हो, ट्रिपल लाइन हो, 4 टाइम्स 9 हो, 5 टाइम्स 9 हो या 1 लाख टाइम्स 9 हो। सवाल देखिए और एग्जामिनेशन हॉल में जवाब चुन लीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा वीडियो देखना छोड़ दीजिए, और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद नहीं आया हमारा ये कंसेप्ट तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। ये अधिकार मैं आप लोगों को देता हूँ। स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ कि चाहे स्कूल के विद्यार्थी हो या कॉलेज के विद्यार्थी हो या किसी एग्जामिनेशन किसी कमीशन के एग्जामिनी कैंडिडेट हो, वो इस वीडियो को देखें और अद्भुत ज्ञान हासिल करें। बहुत सारा यूट्यूबर आपको बताएगा, मैं जो बताता हूँ वो कंसेप्ट देखें कितना आसान और कितना सिंपल है। सवाल देखिए, बड़ा से बड़ा सवाल कि डिवीज़न अगर 9 से है, डबल 9 से है, सिंगल 9 से है, 4 टाइम्स 9 से है, 5 टाइम्स 9 से है, तो सवाल देखिए और जवाब चुनिए। देखिए एक में डिवाइड करना है 9 से, एक जो है डिविडेंट कहलाता है और 9 जो है डिवाइजर कहलाता है। कुछ नहीं करने का कि डिविडेंट बड़ा है कि डिवाइजर बड़ा है, डिविडेंट छोटा है कि डिवाइजर छोटा है, कुछ नहीं करने का। छोटा बड़ा की कहानी को निकाल के फेंक दीजिए और ये कंसेप्ट देखिए। यहाँ देखना है कि नंबर ऑफ द 9 कितना है, तो यहाँ जो डिवाइजर में नंबर ऑफ द 9 है उसको चेक करना है। डिवाइजर में नंबर ऑफ 9 एक है, तो इसके डिविडेंट के एक नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। ज़्यादा नंबर रहेगा तो उसको दें ग्रुप बनाना। यहाँ सिंगल डिजिट है तो ग्रुप नहीं कहला सकता है, ग्रुप एक से ज़्यादा का डिजिट का कहलाता है। तो जितना 9 है उतने डिजिट को डिविडेंट में ब्लॉक कर दीजिए, रोक दीजिए, इनके आगे कुछ नहीं है। तो हम 0-1 लिख सकते हैं, इसलिए कि 1 को 0-1 लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक, जिनको ब्लॉक कर दिया, जितना 9 है उतना नंबर को ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक करने के बाद जो अंक बचता है, जो डिजिट बनता है, उनको एज इट इज उतार लीजिए। ये कहलाता है क्वेश्चेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भागफल। इस क्वेश्चेंट को इस ब्लॉक वाले नंबर में जोड़ दीजिए, तो 0+1 जोड़ेंगे तो ये आपको 1 होगा। कहीं से अगर गड़बड़ी हो कंसेप्ट में तो बोलिए, 0 में 1 को जोड़ेंगे तो ये 1 होगा, ये भी क्वेश्चेंट कहलाएगा। इनको अलग लिखना है, इसलिए कि लास्ट डिजिट है ये। इस 2 डिजिट में 0 और 1 का लास्ट डिजिट है। अब इसमें 9 से डिवाइड करना है, इसलिए कि 9 से ही डिवाइड करना है, 9 यहाँ डिवाइजर है। यहाँ देखिए ये जो 1 है न्यूमिनेटर, ये 9 जो है डिवाइजर डिनोमिनेटर। ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है कि छोटा है? अगर बड़ा होता तो डिवाइड लग जाता 9 से, लेकिन 1 9 से छोटा है इसलिए डिवाइड नहीं लगेगा, तो ये भी क्वेश्चेंट होगा, लेकिन ये क्वेश्चेंट पॉइंट में आएगा, यानी कि 0.1 होगा। नहीं तो चेक करके आप देख लें, 9 से नहीं लगेगा, 10 एक मरतबे जाएगा, फिर आ गया 1, फिर 0 रखेंगे, फिर एक मरतबे जाएगा, फिर आ गया 1, फिर 0 रखेंगे, यानी 1 का रिपीटेशन होता रहेगा। कहाँ तक रिपीटेशन रिपीट होगा नहीं मालूम। तो अगर इस तरह का फॉर्मेट जवाब दिया हुआ है तो ये जवाब चुन ले, नहीं तो 1 पे अगर बार दिया हुआ है तो ये भी जवाब चुन ले, यही इनका आंसर होगा। 0.1 पे बार या 0.1111 जहाँ तक जाना हो, अनंत तक जाएगा या कहाँ तक जाएगा नहीं पता। दूसरा सवाल देखिए, फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए, दोनों तरफ नंबर ऑफ द डिजिट बढ़ा दिया गया, फिर वही देखना है कि राइट में जो डिवाइजर 9 है उसमें नंबर ऑफ द 9 कितना है। तो यहाँ पता लगा कि 2 राइट साइड के यानी डिविडेंड के नंबर को ब्लॉक कर देना है, 2 डिजिट को। यहाँ जितना 9 है उतना नंबर ब्लॉक कर देना, उतना डिजिट को ब्लॉक कर देना है। उसके बाद जो बचेगा उनको एज इट इज उतार लीजिए, ये हो जाएगा 4। ये 4 कहलाता है क्वेश्चेंट। इस 4 में इस ब्लॉक किए हुए नंबर को जोड़ दीजिए, तो 87 में 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11, ये होगा 91। ठीक, कुछ नहीं करने का, आपको इस 91 में अलग लिखने का, 91 में 99 से भाग देना है। यहाँ देखना है कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है कि छोटा है। अगर बड़ा है ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से तो डिवाइड लगेगा, अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो भाग नहीं लगेगा, ये भी क्वेश्चन कहलाता है। यानी कि 9
9.91 जो हुआ ये भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये पॉइंट में आएगा 4.91, इनका रिपीटेशन होगा, सॉरी 9.1, 9.1, 9.1 हो सकता है, 9.12 आखिरी में जाके है, इनका जवाब होगा 4.91, 9.1, 9.1 कहाँ तक जाएगा नहीं मालूम, तो 4. अगर 9.1 पे बार लगा हुआ एग्जामिनेशन हॉल में मिलता है तो ये भी जवाब होगा और ये भी जवाब होगा, दोनों में से कोई जवाब चुन ले। आगे देखें बड़ा नंबर, ये सवाल देख लें, 1,73,928 को 999 से डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना है, सवाल देखिएगा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तबीयत खराब करने का नहीं है, सवाल देखिए और जवाब चुनिए, वो ट्रिक में कंसेप्ट में लेके आया, वो ट्रिक नहीं, यहाँ 999 में देखिए कितना 9 है, तो यहाँ 9 3 है, यहाँ 3 डिजिट को ब्लॉक कीजिए, यहाँ जितना 9 है उतना डिजिट को ब्लॉक करना है, उसके बाद जो ब्लॉकिंग के बाद नंबर बचेगा उनको एज इट इज़ उतार लीजिए, 173 उतार लीजिए, ये कहलाता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इस ब्लॉक किए हुए नंबर को जोड़ दीजिए, यानी 928 में 173 जोड़ दीजिए, 8 3 11, 7 2 9 10 के 0 हाथ में 1 9 10 1 11, ठीक है, ये हो जाएगा आपको 1101, यानी कि ये जो आएगा 1101 ये भी क्वेश्चन कहलाएगा, इसमें डिवाइड करना है 999 से। अब देखना है कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है कि छोटा है, तो मालूम हुआ कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसका मतलब हुआ कि 1101 में 999 से एक बार में भाग ये चला जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 102 होगा, 102 जो है रिमाइंडर कहलाएगा, ये क्वेश्चन कहलाएगा, यहाँ 173 क्वेश्चन है, दोनों एक जाति का है, इनको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 174, रिमाइंडर कितना बच गया 102, इनको पॉइंट के बाद रखिए 102, इस तरीके से 102 कहाँ तक गया ले जाते रहिए, ज़्यादा ले जाने का ज़रूरी नहीं है, 102 पे अगर बार रखा हुआ तो बार रख दीजिए, नहीं तो ये जवाब चुनिए, ये जवाब चुनिए, दोनों में से कोई एक जवाब आपके आंसर शीट में दिया रहेगा उसी में से आपको चुनना है, टेक्निक यही है। एक सवाल और देख लीजिए, आइए इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, इक्कीस दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख 10,00,000 करोड़ यानी 3,52,93,178 को 99,999 से डिवाइड करना है, इस सवाल को देख के तो 100% कन्फर्म रहिए कि हाथ पर आपका फूल ही जाना है, लेकिन हमारे रहते हुए आपका हाथ पर नहीं फूलना चाहिए, यह ट्रिक देखिए, इसको देख के जवाब हम चुन लेंगे बता देंगे, लेकिन नहीं मानिएगा फिर आपको मनाना पड़ता है, यहाँ नंबर ऑफ़ द नाइन्स कितना है 5 है, डिवाइजर में नंबर ऑफ़ द नाइन्स 5 है, इसलिए डिविडेंट में 5 डिजिट को 5 अंक को ब्लॉक करेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ तक ब्लॉक किया, इनका एक ग्रुप बना, इनका एक ग्रुप बना, जो छट गया उनको एज इट इज उतार लीजिए, 352 बचा, ये 352 कहलाता है क्वेश्चन को, इस 352 को इस ग्रुप में जोड़ दीजिए, यानी कि 93,178 इसमें 352 जोड़ दीजिए, 8 2 10 7 5 12 1 13 1 3 3 1 4 1 5 ये होगा 93,530, याद रखिएगा 93,530 उनको अलग लिखना है, सॉरी 93,530 इनमें डिवाइड करना है, इससे 99,999 से, फिर वही कहानी, ये छोटा कि ये छोटा, तो ये 93,000 है, ये 99,000 है, ये जो है छोटा है, ये जो है बड़ा है, तो इनमें जब भी डिवाइड कीजिएगा तो ज़ीरो लगेगा, पॉइंट लगेगा, तब जाके 9 बार में डिवाइड होगा तो ये 89,000 हो जाएगा, ये 93,000 है, लग सकता है भाग, लेकिन 0.9 जब छोटा हो तो इन्हीं को पॉइंट में एज इट इज़ रख दीजिए, 3530 हो सकता है 935 इनका रिपीटेशन हो, इनका फाइनल जवाब 352.93530 या 935 का अगर रिपीटेशन होगा वो भाग देने पे, लेकिन इतना ही काफ़ी है ये 4, नहीं तो 352.935935, यहाँ फिर 935 आया, इन पे जो है सो बाढ़ चढ़ा दीजिए, या इनको फिर एक अंक ले लीजिए बाढ़ चढ़ा दीजिए, इस दोनों में देखिए कौन सा आंसर शीट में मौजूद है, जो नंबर हो वो नंबर चुन लीजिए, वही आपको आंसर होगा, इसको पहचानने का टेक्निक बता देते हैं, भागिए मत, यहाँ सवाल देखिए कि कितना है,
352 है, इतना यहाँ नंबर ऑफ द नाइन देखिए कितना है, तो 5 है। फौरन 5 को यहाँ से ग्रुप बना के उनको फिल्टर कर से सेपरेट कर दिया, ये बच गया वो 3.5। तो जब भी इस नंबर में इस डिवाइडर में सॉरी इस डिविडेंट में जब भी इस डिवाइजर से काम होगा, जब भी इस डिविडेंट में इससे डिवाइड होगा, तो उनका 352 तो आना ही है। उसके आगे क्या नंबर आएगा वो उसको जोड़ने पे पता लग जाएगा, जोड़ के जवाब आप आंसर शीट में देख सकते हैं। चलिए ये अद्भुत ट्रिक कंसेप्ट मैं बताया, ट्रिक कहते नहीं है, यूट्यूबर का बात से याद रहता है, ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक इज़ ए टावर, कंसेप्ट इज़ ए पावर, हमेशा याद रखें। ये अद्भुत ट्रिक बताया, ये कंसेप्ट बताया, या आपके लिए अगर ट्रिक हो तो ट्रिक ही माने, इसको आप देखें, वॉच करें, पहले वीडियो देख लें, अगर पसंद आता है तब चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ अटैच्ड हो जाए, जो भी लेटेस्ट वीडियो डालेंगे उनका लेटेस्ट अपडेशन नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। बेल आइकन दबा के ऑल बटन आपको चुनना है, चाहे स्कूल के विद्यार्थी हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो, या किसी एग्जामिनिंग कमीशन के एग्जामिनिंग कैंडिडेट हो, सबके लिए यह अद्भुत कंसेप्ट है। सवाल देखिए, जवाब चुन लिए, वरना इस 352 लाख के चक्कर रहेंगे तो यह 99,999 से डिवाइड करना है, हाथ पर फूल जाएगा। अगर नहीं तो करके मेरे को दिखाइए, इससे आसान कंसेप्ट धरती पे नहीं है जो आपको मैं बताया। इसको वॉच करें, हमारे कमेंट बॉक्स में जो सजेशन जो इन्फॉर्मेशन लिखना हो आप लिख सकते हैं, आपका सजेशन आपका इन्फॉर्मेशन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर आप हमें कुछ सजेशन लिखते हैं तो अच्छा से अच्छा टॉपिक पर वीडियो बना के मैं आप लोग तक पहुंचाऊंगा, यह हमारा वादा है। शर्त यह है कि वीडियो को देखें, पसंद करें, अगर ये कंसेप्ट आपको पसंद नहीं आया तो हमारे वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं, इसका आपको हम अधिकार देते हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। इसको देखें, वॉच करें, ज्ञान में इंक्रीमेंट करें। ओके, बाय बाय।